ब्राह्मण या तो दुनिया आती तो सिर झुकाती है, आपने सिर नहीं झुकाया हमारे महादेव को। अदंडी नाथ ने कहा कि मैं सिर तो झुका दो परंतु तुम्हारा महादेव मेरा नमस्कार झेल नहीं सकेगा। कहते लो ये भी कोई बात है तो झुका दे। कहते मैं ऐसे नहीं करूंगा, तुम सारे गांव को बुलाओ, पंचायत बुलाई, सबके सामने फैसला हुआ कि कोई नुकसान हो गया तुम्हारे महादेव का तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। सब ने कहा जी जो होगा तो होने तो देखे तो सही, तमाशा क्या होता है। उसने खड़ा होकर के महादेव की तरफ ऐसे हाथ जोड़ के जय महादेव ऐसे कहा तो महादेव का तड़ाका उड़ गया, दो टुकड़े हो गए उसके लिंग के और खून की धार बहने लगी। लोग घबरा गए, अदंडी नाथ के पैर पकड़े, क्षमा याचना की। उसने अपना दुपट्टा लेकर के दोनों शक्लें मिला करके बांध दी, वो लिंग फिर यथावत हो गया। अब चले अदंडी नाथ यहां से तो चले कहां, पश्चिम की ओर गोरखनाथ मिल गए रास्ते में। गोरखनाथ कहते हैं वो अपने सलाम कलाम करने के बाद में तुम किधर से आए, तुम किधर से आए, तो इसको चढ़ा था घमंड अदंडी नाथ को। कहते हैं भीमेश्वर भेजो सोरठी सोमनाथ भेदू जाए, भीमेश्वर के तो शक्ल बिगाड़ दिए मैंने, अब सौराष्ट्र में रहने वाला सोमनाथ का मंदिर है वहां के लिंग का फड़ाका उठाना उड़ाना। उन्होंने कहा कि पुता बेटा पहले अपना तो तड़ाका उड़ा लो फिर बाद में दूसरे का उड़ाना, तुम्हारी कितनी हैसियत है ये तो देखो। कहते जी वो क्या होता है, उसके साधनाओं के चार प्रकार होते हैं, तो अजर अमर वज्र होली के अमर होली के जो संत होते हैं। अब ये जो अदंडी नाथ था वज्र होली का था, गोरखनाथ थे अमर होली के। उन्होंने आह्वान किया स्वर्ग की तरफ, दो तलवारें मंगाई, एक अदंडी नाथ को एक अपने पास में रखी और अदंडी नाथ को कहा कि मेरे बदन के ऊपर तुम्हार। वो पहनी तलवार जब अदंडी नाथ गोरखनाथ के बदन पे मारता है तो पानी में जैसे निकलती है ऐसे ऐसे निकल रही है और शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। कहते आप तू तैयार हो जा। गोरखनाथ ने उठा करके अदंडी नाथ के बदन के ऊपर तलवार मारे, खड़ करके तलवार नीचे गिर गई। कहते पुता पिंड काचा से ये तेरा शरीर ये कच्चा है, वज्र का घाव इस पर पड़ता पड़ेगा तो ये चूरा चूरा हो जाएगा। ऐसे समय में उन्होंने कहा कि ये आपको सिद्धि प्राप्त हुई मुझे भी होनी चाहिए, इसके वास्ते क्या करना चाहिए। कहते हिंदू धर्म का बौद्ध जैन आदि धर्म वालों ने विनाश कर रखा है, हिंदू धर्म को पानी देने वाले भी बचे नहीं है, लोग भक्त सारे जैन वर्ण हो चुके हैं, इनको वापस हिंदू धर्म में यदि लाए तो तेरे को यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कहते ठीक है। महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास में यह पहुंच गया, कौन अदंडी नाथ, दुष्काल पड़ा था, बगीचे में फल फूल कुछ भी नहीं थे, पत्ते भी नहीं थे पेड़ों के ऊपर, कुएं में पानी नहीं। अदंडी नाथ ने वहां पर अपना डेरा लगा दिया, सामर्थ्य के द्वारा कुएं में पानी आ गया, पेड़ों पे पत्ते आ गए, फल फूल लगाया। यह चमत्कार रानी को पता चला, रानी ने दासी के द्वारा पूछा गया कि मैं आप दर्शन के वास्ते आना चाहती हूं, कहते आ जा। आने के बाद में
उसने बेटा दी और उस दिन से गुरु मान लिया कि मैं जब तक आपको खाना नहीं खिलाऊंगी खाना नहीं खाऊंगी। कुछ दिन हुआ, राजा को भी जैन धर्म का उपदेश था, उनको बड़ी तकलीफ होने लगी कि मेरा घर के अंदर मेरे शिष्यों के घर में भक्तानी जैन धर्मी कैसे बन गई। रूस गया, उसने कहा जी गुरु जी क्या बात है, कहते बात है बात नहीं, एक घर के अंदर दो धर्म क्या होना चाहिए, कहते मुझे पता नहीं है तुम स्पष्ट बताओ। कहते तेरी जनानी वो जोगी के पास में जाती है उधर, कहते जाती है तो क्या, मुझे तो पता भी नहीं है, अब हम उसको बंद कर देंगे, बंद कर देंगे तो कर देंगे। कहते आर्डर दिया, रानी को पूछा, रानी हमने सुना है तो जैनी महात्मा के पास नाथपंथी योगी के पास में जाती है। कहते हाँ जी, कहते आज से कल से बगीचे में जाना बंद। कहते जी क्यों, कहते यह धर्म है, यह स्वतंत्र है, तुम्हारे रोटी पानी में कोई कमी पेशी हो तो वह उसका जिम्मेवार तुम्हें हूं, धर्म यह स्वतंत्र है। कहते धर्म विरम मैं नहीं जानता, कल से बगीचे में जाना बंद। फौज को कह दिया कि महल से लेकर के बगीचे तक फौज शस्त्र नंगी तलवार का पहरा, यदि कहीं पर भी रानी दिख जाए तो सिर धर अलग कर डालो, तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है। अब रानी ने अपने गुरु से पूछा जी ऐसी ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, आओ या नहीं। कहते आना चाहे तो आ जा। वो अदंडी नाथ के आदेश के ऊपर बगीचे की तरफ गई, जाने लगी, जाते जाते रास्ते में बहुत सारे फौजी मिले, तलवारें हाथ में थी, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया, देखते ही रह गए। वो गई भी, गुरु को खाना भी खिलाया, वापस आ गई, पान खा रही है। आज राजा को उसको चिढ़ाने का मौका था, राजा आया, कहते क्यों जी खाना खा लिया, कहते हाँ खा बैठी हूँ, कहते तू तो बिना खाना खिलाए गुरु को खाती नहीं, कैसे खाना खा लिया, कहते मैं खाना खिला के भी आ गई। कहने का मतलब कि राजा की रानी थी और राजा के द्वारा इतनी सशस्त्र फौज का बंदोबस्त किया कि जहां पर भी दिख जाए उसको उड़ा दो खत्म कर दो। तो एक साधारण सिद्धि वाला नाथपंथी योगी यदि वह इतना संकट टाल सकता है तो भगवान कहते हैं हमारी शरण में जो दुनिया का मालक जिसने इतनी बड़ी बड़ी दुनिया बनाई है उसके वास्ते क्या मुश्किल है, परंतु तो धर्म की चाह होनी चाहिए। दूसरा है बड़ा भारी उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के समय में पांडवों के ऊपर, पांडव वनवास में थे, एक तरफ दुर्वासा घूमते घामते दुर्योधन के पास में इसी दिल्ली शहर में पहुंच गए, खाना पीना खिलाया, आगत स्वागत किया। दुर्योधन ने रोते हुए कहा गुरु जी दुर्वासा जी हमारा तो जीना हराम हो गया है इन पांडवों ने, क्यों, कहते बचपन से हमारी बढ़ती नहीं थी, हमें पीट पीट करके इन्होंने हड्डियां पसलियां ढीली की हुई, जब बड़े हुए आपस में बढ़ती नहीं, लाखों रुपए खर्च करके महल बनाए, इनमें रहने के वास्ते इनको रखा, सुख से रहेंगे तो ऐसे कुपत्ते निकले आग लगा करके भाग गए जंगल में। उसके बाद में जिनको ढूंढ ढांड करके लाया, राज दिया, राज दे करके आधा हिस्सा उनको दिया, आधा हमने रखा, जुआरी निकल गए, जुआ खेलने की आदत पड़ गई, तो होता क्या है कि वो तो हमसे पाला पड़ा तो राज बच गया, नहीं तो हमारे हाथ से राज भी चला जाता। फिर अब जंगल में धुनी तपा रहे, पता नहीं क्या उल्टे पुलटे हमारे बारे में वो सोच रहे होंगे, हमारे को तो सुख की नींद भी नहीं आती।
दुर्वासा ने दुर्योधन का भोजन किया था, इस वास्ते उसकी बुद्धि मलिन हो गई और उसने आर का पीछा नहीं सोचा। कहते जी मेरे होते हुए संसार में इतना अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा, एक तो पांडवों को सीधे रास्ते पर लाऊंगा, नहीं तो शाप दे करके जला करके भस्म कर दूंगा। 88,000 ऋषि लेकर के पांडव जहां पर रहते थे, भगवान की कृपा से उन्हें सूर्य देवता के द्वारा एक पात्र मिला था। पात्र का इतना स्वभाव था कि पोछा फिरा करके वह थाली उस पर रख दी तो हजारों लाखों आदमी खाना खा जाए, खाना कभी खत्म नहीं होता था। एक बार धोने के बाद में फिर दूसरे दिन नंबर लगता था, चाहे वह कितना भी समय बीते। इन्होंने युक्ति लड़ी, रात को 12 बजे जब बर्तन बिर्तन सारा धो धा करके साफ किया, उस वक्त युधिष्ठिर के पास में जाकर के दुर्वासा ने मांग की, राजन भोजन चाहिए, 3 दिन हो गए सारे चेले भूखे मर रहे हैं, कर सकते हैं प्रबंध तो करो नहीं तो ना करो। उन्होंने कहा कि अब ऐसी बात है कि तुम नहा धो के आ जाओ, तब तक हम खाने का प्रबंध करते हैं। उसको पता था कि थाली सूर्य पात्र है, हमें क्या चिंता है। द्रौपदी जी के पास में आकर के जब पूछा तो वो कहते जी बर्तन तो साफ कर दिया, अरे अब क्या होगा। ऐसे समय में द्रौपदी को विश्वास था कि मेरे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मुझे निराश नहीं करेंगे, मुझे मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसने दाव ही रखा था दुर्वासा ने मारने का शाप दे करके। जैसे अब ये जो लाइट का प्रबंध है आधुनिक विज्ञान का, बिजली कहाँ है, बाखड़ा डैम पर बटन यहां दबा देते तो बुझेला जहां हो जाता है, वैसे निराकार साकार आकार शून्य। निराकार परमात्मा साकार परमात्मा भी निराकार है और निराकार ही साकार है, ऐसा समझ करके तो उन्होंने द्रौपदी ने बिलखते हुए रोते हुए महाराज आज दुर्वासा के चुंगल में फंसे तेरे बेटे, तेरे भक्त दुर्वासा के चुंगल में फंसे, दुर्वासा ने आज हमें जिंदा छोड़ना नहीं छोड़ना, जल्दी आ और इस संकट से मुझे बचा। भगवान उसी वक्त सामने आ गए। सामने आए तो जो पुरानी परंपरा मजाक करने की थी, भगवान कहने लगे द्रौपदी बहुत भूख लगी है। कहते भैया आपको जो मजाक करने की आदत पुरानी है आप छोड़ो, अब तो राजा बन गए हो, अब ये ऐसी बातें तो ना करो। कहते बात मजाक वाली नहीं है, सचमुच में ही भूख है, आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया है और भूख लगी है जबरदस्त। कहते जी मैं बर्तन धो डाला है और खाने के वास्ते मेरे पास में एक कण भी नहीं है। अच्छा, कहते वो पात्र दिखा। कहते मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं आपको कि पात्र धोया नहीं धोया। कहते तू पात्र तो ला। वो जब पात्र लेकर के आती है तो ऐसे दूर से पात्र फेंका, कहते ले तुम्हें विश्वास नहीं है, देख लो। भगवान ने उस पात्र को बड़े प्रेम से उठाया और देखा तो एक किनारे पे एक चावल का दाना लगा था। वो चावल का दाना मुंह में डाला और पदार्थों के हो गए ढेरम ढेर। पदार्थ वहां पर संभाले नहीं संभलते थे, तालाब के ऊपर गए हुए थे 88,000 ऋषि से दुर्वासा, तो उनको हजमा खराब हो गया, खट्टी डकार आने लगी, बदहजमी हुई, अफारे आ रहे हैं, उल्टियां हो रही है कईयों की। और आप वहां युधिष्ठिर के पास में जाएंगे तो खाने को एक ग्राही अंदर जाने की कोई जगह नहीं है। वो ऊंची पूंछ करके भागे वहां से, तो दुर्वासा सहित शिष्य कहां गए क्यों गए कि नाम स्मरण के प्रताप से उनको उस संकट से जीवन दान मिला। आप भी कभी ऐसे दुख संकट में यदि कहीं घेरे जाए तो नाम स्मरण
का सहारा पकड़े और द्रौपदी की पांडवों की भगवान ने जैसे रक्षा की थी वैसी रक्षा नाम स्मरण का महत्व बहुत कुछ अधिक है। सादा भगवान श्री चक्रधर महाराज के पास में माता और वह दर्शन के वास्ते आ रहे हैं, नजदीक के गांव में रुके हैं। सादा के दिल में इतनी तमन्ना थी कि मैं कब कब भगवान के पास पहुंचूं और नमस्कार करूं। रात को उसको भान ही नहीं रहा, जल्दी के चक्कर में बीच में से नदी अथाह पानी अकेली ही चल पड़ी, रास्ता भूल गई। जिस रास्ते से लोग दुनिया जाते थे, नदी पार करते थे, वो रास्ता खुल गया और गहरे पानी में गले गले पानी में पहुंच गए और डुबियां खाने लगी। वो सर्वत्र दुनिया का मालक भगवान श्री चक्रधर महाराज उस वक्त 3 बजे रात को अकेले ही डेरे से आकर के नदी के किनारे वहां पहुंचे हुए थे। सादा गोते खा रही है, जब देखा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, श्री चक्रधर महाराज आपकी दासी अब जा रही है, तो भगवान ने खंग मारे तो सादा एकदम उड़ करके किनारे पर पहुंच जाती है। वैसे ही एक बार एक गाय और बैल दोनों को नथनिया पहना करके लोग कोई दुराचारी लोग ले जा रहे थे,